घर में सबसे बोल्ड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो सोनिया निकली ना, बस बोल्ड यू कैन से ब्यूटीफुल मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो भी है, वो भी है, तुम भी हो और तुम दोनों मिलते भी बहुत एक दूसरे से मिलते हैं। मैं अक्सर तुम लोगों की पिक्चर्स देखती हूँ जो तुम अमेरिका जाती हो तो उसके पास मिलने पोस्ट करती हो, बड़ा मजा आता है मुझे देख के, एंजॉय करती हूँ। मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स। तुम बहुत घूमने फिरने का तुम्हें शौक है? बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मेरी ज्यादातर जो आधी से ज्यादा सैलरी है वो या तो इंटीरियर पे खर्च होती है या मेरे शूज पे खर्च होते हैं या ट्रैवलिंग पे। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे तीन शौक है, तीन शूज, घर का इंटीरियर सारा और ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग। बचाती भी हो पैसे के, सब उड़ाने वाली है नेचर तुम्हारी। लिटरली पहले तो बिल्कुल नहीं बचाती थी। हाँ। लेकिन अब ये कि थोड़ी सी अकल आने लगी है कि नहीं नहीं ये भी बहुत जरूरी होता। हाँ। है तो अब ये कि अब मैं काफी सेविंग करने लगी हूँ। सोनिया अब तो जो जाहिर है तुम कमाती हो, लेकिन मैं पहले की बात करूँ, अगर जब अम्मी अब्बू के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बच्चियाँ तो उस वक्त सोनिया की क्या ख्वाहिशात होती थी कि मुझे मैंने पैसे जमा करके ये लेना है, मैंने पैसे जमा करके, मतलब ईदी से ही चले हम जरा ईदी कलेक्ट करके मुझे अब जमा करके पैसे ये चीज तो लेनी है। जी आई थिंक ड्रेसेस का ही शौक था, और बहुत छोटे जब से तब ये होता था कि वो कोल्ड ड्रिंक पी लें, आइसक्रीम खाने, कौन बन चीज लेने जाके तो वो ही होता था सबसे ज्यादा, जो आप चीज खा सकते हैं वो ईद पे खा सकते हैं तो ये ईद का यही। तो नेचर वाइज सोनिया कैसी थी जब छोटी थी? बहुत सबको हंसाने वाली, शर्मीली तो खैर तुम नहीं होगी, लेकिन जरा डिप्रेसिव रहती थी या हंसती मुस्कुराती, मतलब वो मचलती रहती थी? कैसी नेचर थी तुम्हारी, लाइवली नेचर थी? आई थिंक डिपेंड करता है किसी कंपनी में हो। अच्छा। बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझ पे ना लोगों की पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। अगर मेरे साथ कोई बहुत अच्छा फ्रेंक इंसान बैठा हो, उससे मैं बात कर रही हूँ, बहुत जॉली और अच्छी तबीयत का, सॉफ्ट नेचर, तो खुद ब खुद ना वो मेरे पर वाइब्स आती हैं और मैं खुद ब खुद हंसने लग जाती हूँ। और सामने वाला बहुत सोबर हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक ना यू नो तुम भी सोबर हो जाती हो। डिपेंड करता है, मैं बिल्कुल कोई एक नेचर की नहीं हूँ, मैं बहुत चचोरी भी हूँ। तो बचपन से तुम्हारे अंदर ये चीज है कि जो हमारी कंपनी है वो तुम्हारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है? बचपन से, बचपन से टीचर्स के साथ बिल्कुल एक बुर्दबार स्टूडेंट बनके और स्टूडेंट के साथ बिल्कुल एक। जबरदस्त जबरदस्त। तुमने जब सोचा नहीं था कि तुम एक्ट्रेस बनोगी, और जब छोटे बच्चे मुख्तलिफ ड्रीम्स देखते हैं मैं टीचर बनूंगी, कभी कभार तो ये भी कहते, मतलब मेरा बेटा जो है 5 साल का वो कहता है मैं बड़ा होकर कार ड्राइवर बनूंगा, मैं सुपर स्टोर का जो वो सेल्समैन है वो बनूंगा, क्योंकि वो ही चीजें उनको हॉन्ट करी होती है उस वक्त। तो तुमने क्या सोचा था तुम क्या बनोगी? मैं मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था बचपन से ही, इतना बड़ा ख्वाब भाई, क्योंकि मुझे ना बहुत फैसिनेट करता था कि जहाज में बैठ के जाना, पूरी दुनिया ट्रैवल करना। ऑब्वियसली वो मैं समहाउ कर ही रही हूँ, ट्रैवलिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को लेके जा रहे हो। हाँ। तो मुझे बहुत ड्रीम भी आता था, तुम्हें ट्रैवलिंग का भी तो शौक होगा ना, इसीलिए भी, इसीलिए ऑब्वियसली। ये नहीं कि मैं जहाज उड़ाऊँ, उस तरह शौक नहीं, मुझे ये था जहाज लेके कहीं चली जाऊँ।